अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गैलेक्सी 50 में एक नया अपडेट आया है, एक मैन आबाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 320.08 MB का अपडेट है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है 1 अगस्त 2019 का, और ये अपडेट मेनली है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन को इम्प्रूव करने के ऊपर। और इसमें एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया है जो है स्नैपचैट, और इसका बैटरी का जो चार्जिंग एल्गोरिथम है और स्टेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव किया गया है, और ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शंस इम्प्रूव, सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज बीन इम्प्रूव। तो चलिए इसको डाउनलोड करके अपडेट करके मैं देख लेता हूँ क्या नया चीज़ मिलता है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लिया, अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अब ये रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या नया फीचर्स मिल रहा है। तो मैंने अपडेट कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझको 1 अगस्त 2019 का सिक्योरिटी पैच लेवल मिल गया है, और इसमें क्या क्या नया चीज़ मिला है चलिए देखता हूँ। तो पहले यहाँ पे स्नैपचैट जो दिया है इंस्टॉल करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं इसको यूज नहीं करता हूँ तो इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे और एक एप्लीकेशन भी दिया गया है हेलो बोल के, ये पहले भी दिया था, लास्ट दोनों अपडेट पे ही था, तो इसको भी मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिवाइस हैज बीन अपडेटेड। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन हैज बीन इम्प्रूव्ड इन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट फॉर बेटर एंड फास्टर रिकॉग्निशन, रिमूव योर फिंगरप्रिंट्स एंड रजिस्टर देम अगेन। तो इसको फिर से रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट का जो अपडेट आया है वो बेटर काम करेगा। तो चलिए मैं इसको फिर से रजिस्टर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐड कर दिया, तो चलिए चेक कर लेता हूँ कितना फास्ट हुआ है ये पहले से। पहले से बेटर हुआ है, ये फास्ट भी हुआ है और एक्यूरेट भी हो गया है, आप देख सकते हैं एक बार भी ये रिजेक्ट नहीं किया। पहले से फास्ट हो गया है, बट ये फ़ोन जब हीट हो जाता है तब ये इसका स्कैनर बहुत ही स्लो हो जाता है और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कभी कभी। अभी ये ठंडा है डिवाइस तो ये बहुत फास्ट काम कर रहा है, देख सकते हैं पहले से बहुत ही फास्ट हो गया है, टच करने से ही ये ओपन हो जा रहा है। इसका जो ये एनिमेशन है ये थोड़ा स्लो लगता है, अगर इसका ये एनिमेशन रिमूव कर देगा या फिर चेंज कर देगा तो ये और भी फास्ट हो जाएगा। इस फ़ोन का कैमरा पे अभी भी कोई अपडेट नहीं आया है, अभी भी कैमरा पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल HD मोड पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, 4K मोड अभी तक नहीं आया, तो मुझको नहीं लगता कि 4K इसमें और अवेलेबल होगा, और बाकी कोई नया कुछ नया अपडेट मिला है कैमरा के अंदर, तो सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर और सिक्योरिटी पैच लेवल ये दोनों चीज़ ही नया मिला है। तो मैं ये फ़ोन को आज यूज़ करूँगा, आज 2-3 दिन और यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा इसका बैटरी कितना इम्प्रूव हुआ है, पर इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझको अभी समझ आ गया, बहुत ही फास्ट हो गया है।
तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख पाएँ।